इनको चलने के लिए ना इनके पास रोड नहीं है और ये डिवाइडरों पे ग्रेनाइट लगवा रहे हैं यार। अब वो ग्रेनाइट भी वो लगवा रहे हैं जो थर्ड क्वालिटी का है। बोलते हैं ऐसा सोना किस काम का जो कानों को पाड़े, कानों को काट दे। ये ऐसी सुंदरता को हम क्या करेंगे? जब व्यवस्था ही खराब हो रही है हमारे शहर की तो इसको बंद कर तो कोई जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, बस क्यू शेल्टर बनवा दिए इन्होंने, एक तुलाराम चौक पे, एक बस स्टैंड के सामने, एक तीन कोर्ट के सामने। महेंद्रगढ़ में ऑटो चलने की जगह नहीं है, बस क्यू शेल्टर के नाम पे वो खागे रुपए कितने खागे, कौन खागे, कितना, कोई अता पता ही नहीं है। शहर है ये, आज इसकी पूछ काटते काटते छोटा सा बना दिया है, अब ये तोरण गेट बना रहे। कम से कम इसकी चौड़ाई तो पूरी कर दो है, या फिर 9 इंची दीवार खींच दो, 9 एंट्री महेंद्रगढ़ को बंद कर दो। आखिरी यही करना चाहते हो तो भाई सुंदरता के साथ साथ उसके व्यवस्था का भी तो ध्यान रखा जाए। अब बताओ, दो गाड़ियां इधर से भी नहीं पास का हो सकती, दो गाड़ियां इधर से भी पास नहीं होती। अब इसको अगर 4-5 फीट पीछे अगर सरकारी जमीन है, सरकारी जगह है तो बढ़ा दिया जाए, अगर नहीं है तो पिलर के साइजों घटा दिया जाए। अब डबल व्हीकल नहीं जाएगा, एक्सीडेंट का कारण बनेगा। एक और तो हम सुविधा दे रहे हैं, दूसरी तरफ असुविधा क्लियर भी कर रहे हैं साथ साथ, कहाँ का है? इससे अच्छा तो हमारे को सुविधा मत दो ना, क्या जरूरत है तोड़ गेट की? अगर व्यवस्था ही खराब होती है, व्हीकलों के आने जाने की व्यवस्था ही खराब होती है तो इसको मत बनाओ। ऐसी बोलते हैं ऐसा सोना किस काम का जो कानों को पाड़े, कानों को काट दे। ये ऐसी सुंदरता को हम क्या करेंगे? जब व्यवस्था ही खराब हो रही है हमारे शहर की तो इसको बंद कर दो, कोई जरूरी नहीं है। क्या आज से तोड़ गेट नहीं होने से पहले भी तो शहर था? दूसरी व्यवस्था एक जगह और देखी जा रही है भाई साहब, आगे यहाँ से राव तुलाराम चौक से लेके और रेलवे फाटक तक का इन्होंने 2 करोड़ रुपए का मॉडल रोड बना दिया। उस मॉडल रोड की हालत आपके सामने, आप पत्रकार भाइयों ने पहले भी उठाई है और मैं भी दिखा सकता हूँ, मैंने मेरी सोशल मीडिया पे भी छोड़ी हुई है पूरे महेंद्रगढ़ को दिखाने के लिए। इनको चलने के लिए ना इनके पास रोड नहीं है और ये डिवाइडरों पे ग्रेनाइट लगवा रहे हैं यार। अब वो ग्रेनाइट भी वो लगवा रहे हैं जो थर्ड क्वालिटी का है। इसी थर्ड क्वालिटी के चक्कर में मैंने एक पहले मुद्दा उठाया था, वो जो ये 5 पब्लिक शौचालय बनाए थे 11 लाख रुपए का, 1 शौचालय 55 लाख रुपए की ग्रांट पास करके गए थे दिनेश SDM उस टाइम पे, उनमें से 3 बन लिए। और वो भी एक साधारण सी बात है भाई साहब, एक आम आदमी कोई भी हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, वो अपने घर में जब कोई काम करवाता है ना तो वो 2 महीने में 3 महीने में पूरा हो जाता है, और वो 1 साल होगी वो 5 शौचालय नहीं बने आज तक, 3 का काम निर्माण दिन और 2 का पता ही नहीं वो है कहां पर नहीं है। दूसरी चीज, बस क्यू शेल्टर बनवा दिए इन्होंने, एक तुलाराम चौक पे, एक बस स्टैंड के सामने, 3 कोर्ट के सामने। महेंद्रगढ़ में ऑटो चलने की जगह नहीं है, बस क्यू शेल्टर के नाम पे वो खागे रुपए कितने खागे, कौन खागे, कितना, कोई अता पता ही नहीं है। आज के अखबार में मैंने एक न्यूज पढ़ी, आपको भी मैं दिखा देता हूँ। ये पब्लिक कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं महेंद्रगढ़ में, 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एक बनेगा कम्युनिटी सेंटर, और वो जगह निर्धारित की है देवीलाल पार्क, जो एक बिल्कुल मतलब आज से 7-8 साल पहले, क्या पता नहीं, मेरे तो याद नहीं, पटोदा जी चौटाला घोषणा करके गए थे काफी सालों पुराने पार्क के बीच में ये जगह, वो जगह उसकी वो वहाँ बना रहे हैं। अरे 2.5 करोड़ रुपए की लागत से तुम वहाँ बना रहे हो, तुम्हारे पास पहले ऑलरेडी जो सरकार ने डिपार्टमेंटों ने बिल्डिंग बना के छोड़ रखी है, नई वो पहले वाली कंडम घोषित और नई बना के, उनमें अपने डिपार्टमेंट वो अपने वो करो ना स्थापित करो, वो अधिकारी हैं कोई भी हैं, रेलवे GRP चौकी है, पुलिस वाले हैं या कोई भी, वो भी तो कोई ना कोई हमारे जैसा ही भाई बंदा है, कल को कंडम घोषित हो रखी है वो गिर गई तो वो मरेंगे। वो चीज उठाओ, ऐसा जी। आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हर समय सामाजिक मुद्दों के लिए तत्पर रहते हैं और मेंढर में घटित घटनाओं को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं, बड़ा आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। और मेन आज मुद्दे की बात यह है कि ये आज इन्होंने इस तरीके की व्यवस्था बना दी, रोड को रोकने का काम किया है तुलाराम चौक पर, तो सभी सामाजिक संगठन एकत्रित होकर ये सरकार को, यहाँ के प्रशासन को जगाना चाहते हैं। इनकी नींद में सोए हुए हैं, इनको पता ही नहीं है बनना कैसे चाहिए, किस व्यवस्था में ये रोड रोकने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम सभी सामाजिक संगठन एकत्रित होकर ये कहते हैं कि इनको उखाड़ के, ये जो इन्होंने ये नीचे सीमेंट डालने का काम किया है, इसको उखाड़े यहाँ से, हटा के और सही तरीके से बनाए, ताकि व्हीकल और यहाँ आने जाने में कोई भी किसी को भी दिक्कत ना आए, बाधित ना हो। पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं प्रशासन, जेई कहाँ है ये इनका पता,
क्या चाहते हैं ये महेंद्रगढ़ के प्रति, इनकी सोच ही नेगेटिव है इन लोगों की। भाई महेंद्रगढ़ का कोई धनी धोरी नहीं है, हम चाहते हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। ये इस तरीके की व्यवस्था यहाँ के लोगों को ये इस तरीके से घी में आग डालने का काम कर रहे हैं, कई मुद्दों पर हमने देखा है और सभी सामाजिक संगठन एकत्रित हैं। तो निवेदन हम तो प्रशासन से यही करते हैं कि सही तरीके से बनाया जाए, रोड के बीच में या ऊपर नहीं बनाया जाए, साइड में बनाया जाए ताकि किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। धन्यवाद। आप भी बताइए क्या बताना चाहिए। भाई ये एक मुख्य द्वार बना रहे हैं, इसमें लगभग 50 लाख रुपए का बजट पास है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ये पिलर भरे हैं इनके 3 दिन के अंदर इनको के तो उखाड़ दो, नहीं 3 दिन के बाद हम नगर पालिका को और प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हैं कि राव तुलाराम रोड पर हम जाम करेंगे, उसमें जो भी नुकसान होगा नगर पालिका और प्रशासन भुगतेगा। 3 दिन का टाइम दे रहे हैं हम, 3 दिन का। ये जो पिलर बनाए हैं ये बिल्कुल गलत बना रहे हैं, रोड के बीच में बना रहे हैं। और हमारी नगर पालिका से या सरकार से मांग है कि इसमें 50 की जगह से 1 करोड़ रुपया लगे और ऐसा डिजाइनदार इसका ड्राइंग बनाकर इस पिलर को बनाए, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई इतनी बढ़ाई जाए कि आने वाले 100 साल में किसी को भी असुविधा ना हो। इसके लिए आज हमने साकेत दिन धरना दिया है और प्रशासन और नगर पालिका को 3 दिन का समय दिया है कि तो इन पिलरों को उखाड़ दे, नहीं हम जैसी भी से 3 दिन के बाद उखाड़ेंगे और रोड जाम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महेंद्रगढ़ एकत जिंदाबाद, महेंद्रगढ़ एकत जिंदाबाद, महेंद्रगढ़ संघर्ष समिति जिंदाबाद, महेंद्रगढ़ संघर्ष समिति जिंदाबाद, महेंद्रगढ़ संघर्ष समिति जिंदाबाद, महेंद्रगढ़ संघर्ष समिति जिंदाबाद।